सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाई स्टो फ्रीक्स। सो आज है वेडनेसडे। वेडनेसडे है बट ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज खास है, आज का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब इतनी धूप नहीं है। तो आज मैं ये नहीं कहूंगी कि दिल्ली में बहुत गर्मी है, तो आज ऐसा कुछ नहीं है, आज सही मौसम है। और अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पीछे एक आलसी इंसान बैठा हुआ है, तो वो आलसी इंसान बैठा नहीं हुआ, वो पापा का वेट कर रहा है। रिक, एक्चुअली पापा गए हैं गाड़ी की सर्विसिंग करवाने, और ये उनके इंतजार में देवदास बन के बैठा हुआ है यहाँ पे। ऐसे और कुछ नहीं आता, चलो अंदर चलो। और इसको पापा ने कि ये हमारे साथ ऊपर था, वैसे ये अभी नीचे आया ये, तो कुंडी लगा के पापा इसलिए गए हैं क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा बदमाश हो गया है। उनके रूम में सुसुक करने लगे, हाँ अंगड़ाइयां ले लो, तुम ले लो अंगड़ाइयां, पूरे दिन तुम्हें करना ही क्या है, चलिए आइए पधारिए। हाँ जी, कुछ चाहिए? घूस एंड ऑल कुछ चाहिए आपको? क्या चाहते हो आप? बिकी चाहिए? चाहिए वही से बिकी चाहिए, क्योंकि जैसे ये बेड पे चढ़ जाता है ना, तो बेड पे ना वो इसका सिंहासन है, और एक तरह का इसका हिंट है कि हाँ मुझे बिकी चाहिए, तो दे रहे हैं आपको बिकी। रिकी ले लो अपना बिकी। वाह, क्या राइम है ना। हे रिकी ले लो तुम अपना बिकी। खा लो, गुस्सा क्यों हो? अच्छा तुम बड़े मतलब की शरारती हो, हूं करने लग जाते हो सुबह सुबह ही। एक तो इंसान प्यार से दे रहा है, नहीं चाहिए तुम्हें। छोटे परे, ये इसके भैया एविंग है, मतलब मूड सुबह सुबह खराब रहता है। तो अभी सर जी हमारे उठ गए हैं वैसे तो, ठीक है, कोई ऑफ नहीं लिया उन्होंने, बट आज तो वर्क फ्रॉम होम ही है तो। लेकिन उनकी तबीयत ऐसी सच कुछ खराब नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा बॉडी पेन है, तो सही हो जाएगा। और हाथ में थोड़ी सी वो गुटली सी बन जाती है ना, जैसे कि टेटनेस के इंजेक्शन में आप सबको होता होगा कि यहाँ पे मोटा मोटा सा फूल जाता है, तो बस वही हुआ है और कुछ नहीं हुआ ऐसा, और बॉडी पेन है थोड़ा सा। और चलिए हम थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं, सुबह सुबह मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, बिना कुछ खाए पिए कुछ नहीं होता और इतनी सारी बातें भी नहीं होती हैं। तो अगर और ज़्यादा बातें करनी है तो कुछ खा लेते हैं पहले। अभी मैं किचन में आया हुआ था तो मैंने एक चीज़ देखा कि सिमरन आज फिर से एक नई रेसिपी कुक कर रही है, तो वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सिमरन आज क्या बना रहे हो आप? छोले भटूरे। क्या बता रहे? छोले भटूरे। क्या बोल रहे? बस ये कि मेरे भटूरे थोड़े फूले नहीं है अभी, थोड़े कमजोर रह गए भटूरे। आज फर्स्ट टाइम बना रही है ना? इससे पहले तो मम्मी बनाती थी, लेकिन आज मम्मी है नहीं, तो इसे मैं खुद ट्राई करके देख रही है। छोले बन गए, छोले भी बना चुकी है, दिखाओ छोले, दिखाओ ये छोले हमारे, ये छोले और ये भटूरे थोड़े कमजोर है, ये कमजोर है मतलब, बट कुरकुरे है, क्रिस्पी भटूरे, क्रिस्पी भटूरे। KFC वाले नहीं, KFC वाले भटूरे बेचते हैं बस, नहीं क्रिस्पी है मतलब उसकी तरह। तो आज एक और फूड कह रहा हूँ, आज आप लोगों को एक और फूड रिव्यू मिलने वाला है मेरी तरफ से, क्योंकि सिमरन आज नई चीज बना रही है। एक्चुअली क्या है ना, कल मैंने वैक्सीनेशन लगवाया था, तो कल रात को मेरा थोड़ा सा फीवर वगैरह हो गया था, तो वैसी तबीयत खराब चल रही है। अभी ऊपर से ये रिस्की सी चीज बना रही है जो मुझे खा के रिव्यू भी देना है, देख क्या रही है ऐसे। अब छी, क्या जेन्युइन चीज है, पहली बार बना रही, पता नहीं कैसा बनेगा। तो मैं अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी ये रिस्क लूंगा, और ये ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो कैसा बना है और कैसा है खाने में, ठीक है? टेस्टी होगा, टेस्टी, यम्मी, टेस्टी यम्मी। उसको लग रहा है कि ऐसा टेस्टी होगा, क्या होगा? यम्मी यम्मी, टेस्टी 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 होगा। यस, छोले भटूरे दोनों, यस, एक साथ दो दो रेसिपी है, दोनों टेस्टी, यस, बहुत टेस्टी होगी, समझे? हाँ चलो ठीक है, खाते तब रिव्यू देंगे, तब पता लगेगा कैसा बना। जल्दी उसको देवदास को लाओ पहले वहां से, टेढ़ी मेढ़ी सकल बना के, अरे पापा गए हुए ना इसलिए। सो फाइनली भटूरे बन के तैयार हो गए, तो
आप लोग ऐसे क्यों शान शान से क्यों बैठो बाबा, शुरू करूं? चलो तो बताइए कैसा बना है। तुम खा के देखो, मटोरों का रिव्यू देना है, सच्ची सच्ची वाला, सच्ची सच्ची वाला। अच्छा बना, अच्छा बना है, अच्छा बना है ना। ऐसे ही है, हम धीरे धीरे आपको पास कर दो खुद। हम धीरे धीरे मतलब वो शेफ की कैटेगरी में जाते जा रहे हैं, आता जा रहा है हमें, तो मैं भी खाने जा रही हूँ। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और इस टाइम सिमरन का सोने का टाइम होता है, लेकिन आज सिमरन सो नहीं पाएगी क्योंकि आज वो मम्मी का वीडियो इस टाइम एडिट कर रही है, कल एडिट किया नहीं था इन्होंने क्योंकि कल टाइम नहीं मिला था इनको, और कितनी बिजी होगी, कितनी टेंशन में एडिट कर रही है, इसे कहते कंसंट्रेशन। देख भी नहीं रही इधर, ओवर एक्टिंग, ऐसे क्या देख रही है बंदर की तरह। और ये इसका चमचा, इसके साथ ही बैठा रहता है, वो पता अभी यहाँ पे बैठा था, वो फटाफट सोता चला गया, वो इसलिए अभी इसलिए गया कि अभी एसी ऑन हुआ है, फैन बंद किया था मैंने। अच्छा अभी फैन बंद किया ना अभी, तभी मैं कहूँ हवा क्यों नहीं आ रही, डायरेक्ट उधर हवा आ रही है इसलिए उधर बैठ गया। वो इधर बैठ गया, उसको तेल से कोई लेने देना, उसको हवा से लेने देना था ना रिकू। कितना पलटू है रिकू। तो आज सो नहीं पा रही हो, तुम क्या कहना चाहोगी? बहुत तेज नींद आ रही है, आप ये एडिट कर लो, थोड़ा तेज बोल दो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अच्छा, और क्या आप ये एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये चाहती है कि ये वाली वीडियो भी मैं एडिट करूं, फिर जो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं वो भी मैं एडिट करूं, फिर दोनों को मैं अपलोड करूं, और ये कुछ ना करें। मेरे पास आधा घंटा रह गया। क्या? मेरे पास आधा घंटा रह गया। किस लिए आधा घंटा इसलिए रह गया? मैं थोड़ा और सो लेती ना, फिर उठ के भी थोड़ा और सो लेती, मतलब सोई थी तुम? नहीं नहीं, मतलब सो लेती, अभी हम लोग मूवी देखे आज, अभी हम लोगों ने एक मूवी देखी है पैरासाइट, जो कि मैंने बोला सिमरन को देखने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ी ना कॉमेडी मूवी होगी, कॉमेडी मूवी लेकिन वो थोड़ी सीरियस मूवी थी, सीरियस मूवी थी, मैं समझ गई बाद में, वो मेरे ऊपर से चली गई ऐसे करके। इस दम लोगों को कुछ कुछ दिखा दो तो लोगों को समझ नहीं आती है। आपको समझ आई? यस, मुझे सब समझ आया, क्योंकि मैं डम नहीं हूँ, ये डम है और ये डम है, हम दोनों बहुत चतुर है। क्या? चतुर, चतुर तुम दोनों? यस। चलो ठीक है, सो मैंने आज आप लोगों को दिखाया कि हम लोगों ने आज पूरे दिन में क्या किया, कुछ खास तो किया नहीं, मैं दिन में अपने ऑफिस का काम कर रहा था, सिमरन अभी और रात शाम के टाइम अपने ऑफिस का काम कर रही है, दिन में हमने आज बस स्पेशल ये किया कि सिमरन ने बनाए थे छोले भटूरे, वो हमने ट्राई किया अपने जान का रिस्क लेके, मैंने वो खाया और उसमें मैं बच गया, और सिमरन मुझे अभी घूर घूर के देख रही है, अभी ऐसा क्यों देख रही हो मुझे तुम? टेस्टी थे कितने वो टेस्टी थे, हाँ ये बात तो सही कह रही हो, टेस्टी थे, और ये मैं सिमरन के इन्फ्लुएंस में आके नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, ये जेन्युइनली वो टेस्टी थे, और आप कुछ कहना चाहेंगे वरना हम व्लॉग यहीं खत्म करेंगे। थोड़ा सा मैं ये फंस गई है मटर लो बैठे बैठे फंस गई है। नहीं वो बहुत टेस्टी थे, मैंने पहली बार बनाए थे और इतने यम्मी बने थे, मेरा दोबारा बहुत मन करता था खाने का, लेकिन जो मैंने जितना आटा गूंदा था वो थोड़ा सा था। और कुछ? आप आटे वैसे वो क्यों बात करते हो, और कुछ? तो ये पे खत्म करना है आज का व्लॉग, यहीं खत्म करना है। अच्छा तो हम आज का व्लॉग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे पसंद करना, इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। अब हम मिलेंगे आपको अपने कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड भारत माता की जय।